हेलो एवरीवन, टेक जेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको BCOC 134 दिसंबर 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्वेश्चन पेपर हैं। पहले इंग्लिश मीडियम और उसके बाद हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो को बीच से देख सकते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोज लाने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स और सॉल्व असाइनमेंट्स की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें टोटल टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 और यहाँ पे नोट दिया हुआ है। इसमें पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, 2 आंसर बोथ पार्ट ए एंड बी, 3 है ऑल क्वेश्चंस का इक्वल मार्क्स, यानी सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। तो 10-10 नंबर के क्वेश्चन है सभी। ये पहला क्वेश्चन है जो कंपलसरी है। इसमें ए पार्ट है, डिफाइन मैट्रिक्स, डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स विद एन एग्जांपल। 10 नंबर का है। 10 नंबर में आपको कम से कम 3 पेज भरने चाहिए। व्हाट इज डिस्पर्सन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन। ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ये आपको दोनों करने हैं। इसके बाद यहाँ से पार्ट ए शुरू होता है। पार्ट ए में यहाँ पे नोट अलग से दिया है, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी इसमें से आपको 2 करने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला है, फाइंड द मैट्रिसेस ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है और इससे ए एंड बी निकालने हैं आपको। और यहाँ पे दूसरा है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस 3a-2i वेयर ए इज इक्वल टू 1357। तो ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से कोई आपको 2 करने हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 5 ईयर्स एट 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड। पहला इसमें है सेमी एनुअली, दूसरा है मंथली। तो ये 20-20 नंबर के क्वेश्चन है पार्ट ए में। इन कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल वैल्यू ऑफ 1 + 0.03 power 10 इज 1.343916 एंड 1 + 0.005 power 60 इज 1.348850। तो ये जो वैल्यू दे रखी हैं ये आप इनके हिसाब से कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। पहला है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस, दूसरा है प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। कोई 2 आपको करने हैं। ये ऐसा पैटर्न एग्जाम का है। इस वीडियो से आप एग्जाम के पैटर्न का आइडिया लगा सकते हैं और जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उनका भी आप आइडिया लगा सकते हैं। पार्ट बी यहाँ से शुरू होता है। इसमें बिजनेस स्टैटिक्स का ये टॉपिक है। नोट है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसमें से भी कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेट्स टू प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ 3 कमोडिटीज नेमली राइस, व्हीट एंड ग्राम इन द ईयर 2010 एंड 2020। तो यहाँ पे जो टेबल है ये दी हुई है। इसमें प्राइस क्वांटिटी अलग अलग यहाँ पे टेबल में बनाया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट, ए है फिशर्स आइडियल इंडेक्स और बी है प्रूव दैट इट सेटिस्फाइज बोथ टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद, एक्सप्लेन द टर्म्स कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स विद स्टेबल एग्जांपल्स। ये भी 20 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। ए है एरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, बी है एडिक्टिव एंड मल्टीप्लिकेटिव टाइम सीरीज मॉडल,
यहाँ पे दोनों 10-10 नंबर के हैं, आपको इसी हिसाब से इसके आंसर देने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द एज ऑफ हस्बैंड्स एंड देयर वाइफ्स रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे टेबल दी हुई है एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ, तो यहाँ पे एक्स और वाई इनको टेबल में दर्शाया गया है 48, 36, 50, 32। ये है इसी हिसाब से आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स टू रिग्रेशन इक्वेशंस। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ से शुरू होता है, BCOC 134 व्यावसायिक गणित और सांख्यिकी। यहाँ पे भी सेम है, समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 100 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे नोट है, प्रश्न 1 अनिवार्य है, 2 है भाग ए और भाग बी दोनों के उत्तर दीजिए, 3 है सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो यहाँ पे ऐसा नोट दिया हुआ है कि पहला प्रश्न अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न इसमें है, इसमें क्या पार्ट है, आव्यूह को परिभाषित कीजिए, आव्यूह के प्रकारों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसमें क्या पार्ट है, अपकिरण क्या है, अपकिरण के माप के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये दोनों 10-10 नंबर के हैं, यानी जो पहला क्वेश्चन है वो 20 नंबर का हो गया। यहाँ पे भाग ए आता है व्यावसायिक गणित, इसमें अलग से नोट दिया है, इस भाग से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है, यानी इसमें से कोई 2 क्वेश्चन के आपको आंसर करना। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें क्या भाग है, निम्नलिखित संबंध से आव्यूह ए और बी ज्ञात कीजिए, 3a + b = यहाँ पे ये आपको कंप्लीट करना है जो यहाँ पे बताया हुआ है, और 2a - b = 3, 3, 12, 11 ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे 6 भाग है इसका, a² + 3a - 2i ज्ञात कीजिए, जहाँ a है 1, 3, 5, 7। तो ये 10-10 आप करेंगे तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन होगा टोटल, सभी प्रश्न इसमें 20-20 नंबर के हैं। प्रश्न नंबर 3 है, व्यापार और अर्थशास्त्र से संबंधित विभिन्न गणितीय फलनों की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए, ये भी 20 नंबर का है। प्रश्न नंबर 4 है, 8000 पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज संयोजित होता है। यहाँ पे 2 दिए हुए हैं जो कंडीशन है, पहला अर्धवार्षिक और दूसरा मासिक, और यहाँ पे जो नीचे ये दिया हुआ है डाटा 1 + 0.03 × 10 की कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल वैल्यू है 1.343916 और 1 + 0.005 की पावर 60 यहाँ पे है इसका 1.348850। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला पार्ट है उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन, दूसरा भाग है मांग की मूल्य प्रत्यास्था और आय प्रत्यास्था। तो यह टोटल क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। यहाँ से भाग ब शुरू होता है, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, इनमें से कोई 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, यानी पूरे क्वेश्चन पेपर में से 5 क्वेश्चन करने हैं, पहला कंपलसरी है और दोनों भागों में से 2-2 क्वेश्चन करने हैं, तो 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 100 नंबर का हो जाएगा। भाग ब है यहाँ पे व्यवसाय की सांख्यिकी, इसमें अलग से नोट दिया है, 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों में समान है, यानी सारे प्रश्न 20-20 नंबर के हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, दी गई जानकारी वर्ष 2010 और 2020 में 3 वस्तुओं चावल गेहूं और चना की कीमत और मात्रा से संबंधित है। यहाँ पे इसकी टेबल है नीचे, ये आप देख सकते हैं 2010-2020 यहाँ पे वस्तुएं कीमत मात्रा कीमत मात्रा। उपरोक्त आंकड़ों से निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, पहला है फिशर का आदर्श सूचकांक और दूसरा है सिद्ध कीजिए कि है कालोत्क्रमण एवं उत्पादनोत्क्रमण परीक्षण को संतुष्ट करता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, सहसंबंध और प्रतिपगमन की व्याख्या कीजिए, सहसंबंध और प्रतिपगमन गुणांक के बीच संबंध की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, पहला है समानांतर माध्य और हरात्मक माध्य, दूसरा है खोज्य और गुणात्मक काल श्रेणी मॉडल। और इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 9 है,
निम्नलिखित आंकड़े क्रम से पतियों और उनके पत्नियों की आयु से संबंधित है, पतियों की आयु इस साइड और पत्नियों की आयु इस साइड लिखी हुई है। यहाँ पे इनको एक्स मान लिया गया है, इनको वाई, और ये टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे दी हुई है। और इसके नीचे ये जो प्रश्न पूछे गए वो ये हैं, दो प्रतिगमन गुणांक और यहाँ पे दो प्रतिगमन समीकरण, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ये प्रश्न पत्र समाप्त हो जाता है हिंदी मीडियम का भी। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अन्य सोल्ड असाइनमेंट्स की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उससे देख देख के आप असाइनमेंट्स भी लिख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, जून 2022 की भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट, और उससे पहले के भी क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को लिंक डिस्क्रिप्शन से देख के और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं।